हे दोस्तों, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, पीपल हु मेक थिंग्स हैपन, मतलब ऐसे लोग जिनकी वजह से हर चीज होती है। सेकंड, पीपल हु वॉच थिंग्स हैपन, मतलब ऐसे लोग जो हर चीज को बस देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और लास्ट में थर्ड, पीपल हु आस्क व्हाट हैपेंड, ऐसे लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता, जो सब कुछ होने के बाद सोचते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। देखो दोस्तों, राइट नाउ जो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सिचुएशन हुई है, उससे काफी सारे लोग फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में हैं। बट इस मुश्किल टाइम में भी यही तीन तरह के लोग होंगे, जिनमें से आप समझ ही सकते हो कि मैं कौन से वाले लोगों में आपको देखना चाहता हूं। देखो, मैक्सिमम लोग इस पैंडेमिक की वजह से व्हाट हैपेंड और जस्ट वॉच वाली कैटेगरी में आएंगे। मतलब या तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, या तो उन्हें समझ तो बहुत कुछ आएगा हर दिन न्यूज मीडिया की बातों से कि क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी करेंगे नहीं इस बारे में, बिकॉज वो डूअर्स नहीं होंगे। देखो दोस्तों, अभी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप उस कैटेगरी में आओ जहां लोग एक्चुअल में चीजें कर पाते हैं, प्रॉब्लम से लड़के आगे बढ़ पाते हैं, तो आपको एक्शंस लेने होंगे। और ये सब एक्शंस लॉकडाउन खत्म होने के बाद या जब रिसेशन आ जाएगा तब नहीं करना है, बल्कि एक्शंस आपको अभी से ही लेने होंगे। हाँ, राइट नाउ। शायद आपको लग रहा होगा कि अभी आप क्या कर सकते हो, अभी तो सब बंद है मैक्सिमम चीजें। बट इसके रिप्लाई में आपको अब्राहम लिंकन की ये बात याद रखनी चाहिए, जिन्होंने बोला था कि अगर मुझे एक कुल्हाड़ी और 6 घंटे दिए जाए एक पेड़ काटने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग के 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। यहां लिंकन का मतलब यह है कि अगर आपको लाइफ में जीतना है, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को शार्प करो, कई बार इवन एक्शंस लेने से पहले से ही। अपने आप को ऐसे तैयार करो कि जब टाइम आए तब आपको कम से कम एक्शंस लेने पे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिले। देखो, अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आने वाले टाइम में काफी बड़ा रिसेशन आ सकता है, जिससे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो अगर आप लोग नहीं चाहते कि उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो बेटर होगा अगर आप इस क्वारंटाइन के बचे हुए दिनों में और आगे भी आने वाले टाइम में अपना मैक्सिमम टाइम स्किल्स सीखने में लगाओ, बिकॉज स्किल्स ही आपको लाइफ में सर्वाइव करने में और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, फिर चाहे कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो। वेल, अब कौन सी स्किल्स आपको सीखनी चाहिए? सबसे पहले नंबर वन जो आपको स्किल सीखनी चाहिए वो है फर्स्ट, द स्किल टू लर्न। देखो, जब आप सीखना कैसे चाहिए एग्जैक्टली यही सीख लोगे, तो ये स्किल आपकी कुल्हाड़ी को शार्प करने जैसी होगी। बिकॉज फिर आप कोई भी स्किल को चुनोगे अपने पैशन के हिसाब से, तो वो आप फिर 90% लोगों से जल्दी और बेटर सीख पाओगे, मास्टर बन पाओगे। सो नाउ, यही फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल के लिए मैंने जिस बुक की हेल्प ले रहा हूं, उसका नाम है द आर्ट ऑफ लर्निंग। जॉश वेटस्किन दो बहुत ही अलग अलग चीजों के मास्टर बने अपनी लाइफ में, पहला चेस और सेकंड टाई ची मार्शल आर्ट्स में। देखो, जॉश ने चेस खेलना बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था और 16 साल की उम्र में ही वो इंटरनेशनल चेस मास्टर बन गए थे। बट इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में काफी चेंजेस किए और फिर वो टाई ची में इंटरेस्ट लेने लगे और फिर 21 साल की एज से ही उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। अगेन, जिसे अच्छे से सीखने के बाद, कुछ प्रिंसिपल्स यूज करने के बाद, वो उसके अंदर भी काफी ग्रेट बन गए। इनफैक्ट इसके अंदर भी उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। नाउ जॉश बोलते हैं कि वो इन दोनों काफी अलग स्किल को काफी अच्छे से सीख पाए, इवन चैंपियन बन पाए उस स्किल के, क्योंकि उन्होंने कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का यूज करा था। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल अगर कोई भी इंसान यूज करेगा कोई भी स्किल सीखते टाइम, तो वो बहुत अच्छे से किसी भी स्किल का मास्टर बन सकता है। सो अभी मैं आपके साथ उन्हीं में से 3 प्रिंसिपल शेयर करूंगा। नंबर 1, बेसिक्स नॉट टैक्टिक्स। देखो, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं हमेशा एग्जाम्स के जस्ट पहले ही पढ़ाई करना स्टार्ट करता था। अब ऑब्वियसली इतना लेट स्टार्ट करने की वजह से मेरे पास कॉन्सेप्ट समझने का टाइम नहीं होता था, और इसीलिए फिर मैं यूजुअली पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स के जो सोल्यूशन वाली बुक मिलती है ना, वो लेता था और फिर उसके ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता था, फिर चाहे सब्जेक्ट पूरा थियोरी वाला हो या मैथ्स फिजिक्स टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। अब इससे होता ये था कि एग्जाम में अगर वही सेम क्वेश्चन आ जाता तो बल्ले बल्ले, पर अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा फिरा के आ जाता, एक एक्स्ट्रा नंबर तक आ जाता था उस क्वेश्चन में, तो फिर मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता था, बिकॉज मुझे बेसिक से नहीं पता थे। अब सच बोलूं तो ये टेक्निक की वजह से मैंने बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग पास कर ली, काफी अच्छे मार्क्स के साथ भी, बट सच में आज भी मैं अपने आप को एक असली इंजीनियर नहीं मानता हूँ, बिकॉज मुझे इंजीनियरिंग के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है। देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने जब चेस खेलना स्टार्ट करा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों की तरह ट्रिक्स पे, टेक्निक्स पे फोकस नहीं करा कि लाइक अलग अलग कॉम्बिनेशन मूव सीख लूं और फिर 4 स्टेप में 10 स्टेप में सामने वाले को हरा दूं, चेकमेट कर दूं, ऐसी चीजों पे नहीं फोकस करा, बल्कि उन्होंने फोकस करा फंडामेंटल्स पे, बेसिक्स पे। एग्जाम्पल, वो क्या करते थे कि वो चेस के सारे पीसेस के साथ एक साथ खेलने के बजाय बस समझो स्टार्ट में एक पीस घोड़ा ले लेते थे और बस उसी एक पीस के साथ प्रैक्टिस करते थे, उसी के सारे मूव्स पॉसिबिलिटीज को दिमाग में अच्छे से बैठाते थे, बस वो उस अकेले पीस से फिर क्या क्या कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में।
और वो जब एक पीस के साथ बहुत ज्यादा ऐसी प्रैक्टिस कर लेते थे, इसके बाद ही फिर वो दूसरे पीस पे जाते थे, शायद समझो फिर वजीर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते थे, और ऐसी एक एक करके उन्होंने सारे पीसेस की प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से जहां ज्यादातर लोग बस कुछ सिचुएशंस में जीतने के लिए ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, वहीं ऑथर हर एक सिचुएशन में हर एक पीसेस के साथ ग्रेट तरीके से खेलते थे, और ऐसे ही बेसिक्स में स्ट्रांग होने की वजह से वो चैंपियन भी बने। सिमिलरली जब भी आप कोई भी स्किल सीखो तो जितना हो सके उतना उसके बेसिक्स पे फोकस करो, उसमें एकदम स्ट्रांग बनो, बजाय दिखावे वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करने के। प्रिंसिपल नंबर 2, नो योर स्टाइल। जॉश ने सबसे पहले चेस खेलना स्टार्ट करा था वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में, जहां चेस बहुत तेजी से खेला जाता था और काफी एक्साइटिंग था। नाउ जॉश बोलते हैं जो सबसे बेस्ट चीज उनके साथ तब हुई वो ये था कि तब उन्हें एक टीचर मिले, एक मेंटर जिन्होंने जॉश को एकदम अच्छे से चेस सिखाया, वो भी एग्जैक्ट उसी तरीके से, उसी स्टाइल में जो कम्प्लीटली जॉश के खेलने की स्टाइल थी, मतलब जो उनके स्टाइल से मैच करता था, उनकी पर्सनैलिटी से मैच करता था, जो था ऑफेंसिव खेलना, और इसी वजह से वो बहुत जल्दी ही चैंपियन भी बने। बट फिर 17 साल की एज में उन्हें एक न्यू टीचर मिले जिन्होंने जॉश को उनके स्टाइल से हटके उन्हें डिफेंसिव होने की सलाह दी, वो जॉश को एक डिफेंसिव प्लेयर बनाने लगे। नाउ देखो मेन बात यहाँ ये थी कि उनके जो दूसरे टीचर थे उन्होंने भी जॉश को बोला कि डिफेंसिव खेलना अच्छा होगा, बट वो ये नहीं चाहते थे कि जॉश पूरी तरह से एक डिफेंसिव प्लेयर बन जाए, जबकि न्यू टीचर हद से ज्यादा उन्हें डिफेंसिव बनने की प्रैक्टिस कराने लगे, जिसका रिजल्ट उनमें चेस खेलने का मजा कम होने लगा, प्रैक्टिस उन्हें सजा जैसी लगने लगी, और फिर उनका पूरा गेम भी खराब हो गया, जिसके बाद फिर फाइनली उन्होंने चेस खेलना ही छोड़ दिया। नो सच में दोस्तों ये चीज आपने कई एथलीट्स के साथ भी देखी होगी जो सही नहीं होती, इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमेशा अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल को समझो, जो भी चीज सीखो उसे ऐसे सीखो जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे। एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बुक पढ़ने ज्यादा अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को बुक सुनना ज्यादा पसंद होता है मेरी तरह, जबकि कुछ लोगों को चीज अच्छे से तभी समझ में आती है जब वो एक्चुअल में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही आप भी हर स्किल से रिलेटेड अपना स्टाइल और पर्सनैलिटी पहचानो और उसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे सबसे ज्यादा आपको पसंद है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्मॉलर सर्कल्स। आपने ब्रूस ली का ये कोट तो जरूर सुना होगा कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 पंचेस एक बार प्रैक्टिस करा हो, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस करा हो। नौ इस लाइन के पीछे बहुत ग्रेट विजडम छुपी है। देखो ऑथर बोलते हैं कि जब मैक्सिमम लोग कुछ नया सीखते हैं तो वो बस ऊपर ऊपर से चीजें सीखते हैं और फिर फौरन कुछ न्यू चीजें सर्च करने लगते हैं सीखने के लिए, जबकि एक्चुअल में कोई भी स्किल में ग्रेट बनने के लिए एक इंसान को एक ही चीज को बहुत डीप में समझना चाहिए, उसे ही यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल, जॉस जब चेस के बाद फिर टाइची की प्रैक्टिस करते थे तब वो इसी बात को हमेशा याद रखते थे। वो कई कई डेज, वीक्स, इवन मंथ्स टाइची के बस एक सिंपल टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहते थे बार बार, जिससे कि फिर वो मूव और चीज इंटरनलाइज हो जाती थी उनके अंदर, और उसी चीज ने फिर टाइची के उन्हें दूसरे मूव्स को भी जल्दी डीपली समझने में हेल्प करा। ऑथर बोलते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि लोग जब एक बार कोई चीज अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझो कोई एक पंच सही से मारना सीख लेते हैं, तो फिर वो फौरन और स्पीड से पंच मारने की कोशिश करने लगते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं बिना बस उस एक पंच का मास्टर बने, जिसका रिजल्ट एक्चुअल फाइट के टाइम पे वो अच्छे से पंच नहीं मार पाते हैं। जबकि जो चैंपियंस होते हैं वो इतनी बार एक ही मूव की प्रैक्टिस करते हैं कि फिर वो मूव नेचुरली बिना सोचे उनसे निकलने लगता है। इसलिए नेक्स्ट चीज ये याद रखो कि कुछ भी सीखो तो उसे स्लोली करो, उस एक ही बात को अलग अलग जगह अप्लाई करने की कोशिश करो। हाँ, आपका दिमाग आपको न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू चीजें ट्राई करने के लिए फोर्स करेगा, बट आपको उससे लड़ना होगा, बिकॉज ये एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसने जॉश को पहले चेस फिर टाइची दोनों में मास्टर बनाया, और जो आपको भी किसी भी स्किल का मास्टर बनाएगा। अब आप नोटिस करोगे तो मैंने इस वीडियो का ऑलमोस्ट पूरा हिस्सा फर्स्ट स्किल में ही निकाल दिया हूँ, बिकॉज आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए, जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। बट अब आते हैं बाकी बचे 6 इंपॉर्टेंट स्किल्स पे जो आपको सीखना ही चाहिए। नाउ मैंने हर स्किल के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके वीडियोस देख के आप उस स्किल के बारे में और बहुत अच्छे से सीख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसे जाके आप फ्री में बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। सो आते हैं स्किल पे। स्किल नंबर 2, स्किल टू सेल। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा था कि चाहे आप ऑथर हो, रिपोर्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आपको सेल करने की स्किल आनी ही चाहिए, वरना पक्का आपसे कोई कम टैलेंटेड इंसान आपसे कम मेहनत करके भी आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने आता होगा। एग्जाम्पल, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में भी खुद लिखा हुआ था, बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। इसीलिए ये स्किल आप जरूर सीखो। स्किल नंबर 3, पीपल स्किल। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों के आज बहुत करीब आ चुके हैं, बट स्टिल करीब नहीं है, बिकॉज आज लोग हद से ज्यादा डिवाइडेड हो गए हैं एक दूसरे से। लोगों में एक दूसरे से अच्छे से बात करने की स्किल खत्म सी होती जा रही है। कोई दूसरे इंसान की बात सुनना ही नहीं चाहता, उनकी प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहता। लोगों में सिंपथी, एम्पथी खत्म सी हो जा रही है, जबकि जो थोड़े बहुत लोग हैं
जो दूसरे इंसानों को समझते हैं वही सबसे ग्रेट लीडर्स फ्रेंड बनते हैं, अच्छे रिलेशनशिप बना पाते हैं और सक्सेस भी अचीव करते हैं। इसलिए थर्ड, आपकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। स्किल नंबर 4, फाइनेंशियल स्किल्स। पैसे लाइफ में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंसान पैसे कमाने, उसे सेव करने, उसे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख लेगा वो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसानों में से एक बन सकता है। इनफैक्ट अगर आपको बस अपनी लाइफ हैप्पीली सर्वाइव करने के लिए भी जीनी है तो भी ये स्किल आपको सीखनी बहुत जरूरी है, इसलिए इसे आप जरूर सीखो। स्किल नंबर 5, फोकसिंग स्किल। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज है जिसके लिए लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, एंड आई थिंक सही भी है, बिकॉज फोकस कर पाना सच में बहुत मुश्किल स्किल है आज के टाइम पे। नाउ इससे रिलेटेड वीडियो पे ऑलरेडी काम चल रहा है जो मैं होपफुली नेक्स्ट संडे को डाल दूंगा वीडियो, बट उससे पहले भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके स्किल से रिलेटेड काफी वीडियोस देख सकते हो जो आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा। स्किल नंबर 6, हैंडलिंग नेगेटिविटी। आप देख रहे होंगे कि आजकल नेगेटिविटी हद से ज्यादा फैल चुकी है दुनिया में। कई सारी नेगेटिव चीजें दुनिया में हो रही है और हर इंसान के साथ होती ही रहती है, जिससे इंसान कभी ना कभी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। और जब भी एक इंसान नेगेटिव होता है तो इससे उसकी एनर्जी खराब होती है, उसका मोटिवेशन, उसका अटेंशन, फोकस सब खराब हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम नेगेटिव सिचुएशन हैंडल करना सीखे। नाउ फाइनली स्किल नंबर 7, मैनेजिंग टाइम। हर इंसान के लिए सबसे कीमती कोई चीज इस दुनिया में है तो वह है उसका टाइम, जो एक बार खर्च हो जाए तो वापस कभी नहीं कमाया जा सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लिमिटेड टाइम को मैनेज करना सीखे ताकि हम बेस्ट से बेस्ट चीजें अचीव कर पाए, खुशियां, सक्सेस अचीव कर सके इस लिमिटेड टाइम में। बस ये थे वो 7 स्किल जो मेरे हिसाब से आप घर पे बैठे बैठे अभी सीख सकते हो क्वारंटाइन का अच्छे से यूज करते हुए। देखो यहाँ अगेन मैंने टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं करा हूँ, बिकॉज टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्किल सीखने चाहिए, वो आपको चूज करना चाहिए आपकी पर्सनालिटी और सबसे मेन आपके पैशन के हिसाब से, तभी आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे पाओगे, एक ही चीज 100 बार कर पाओगे, जैसा मैंने पहले ही बताया। इन शॉर्ट, पैशन ही आपको मेन मास्टर बनाने में हेल्प करेगा। सो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है वो स्किल्स आपके लिए क्या होगी जो स्पेसिफिकली आपको सक्सेसफुल बना सकती है, तो उसको जानने के लिए आप मेरा पैशन का कोर्स ले सकते हो ck.org/passion से जाके। नाउ ये कोर्स मनी बैक गारंटी के साथ है, सो आप फिक्र मत करना। अगर आपको किसी रीजन की वजह से ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप बेझिझक 7 दिन के अंदर अपने पैसे वापस ले सकते हो। नाउ अभी के लिए बस इतना ही। मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग संभाल के रहो, अपना ख्याल रखो, जितना हो सके उतना पॉजिटिवली इस टाइम का यूज करना सीखो, शेयर कर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय इनमें से कोई स्किल सीख ले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए अगर आप ऐसे ही वीडियोस हर संडे देखना चाहते हो तो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।